हे गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है फिर से नए ब्लॉग में। टाइम हो गया है सुबह के 6:50 और आज डेट है 15 जनवरी। और अभी देख लो मेकअप हो रहा है। थोड़ा सा मेकअप हो रहा है वहां जाने के लिए। बजे 7 और हमारी कोशिश है कि हम 8 बजे निकल जाए, तब हम 10 बजे वहां पहुंचेंगे, क्योंकि 10 बजे का टाइम दिया हमें कि आप सुबह सुबह ही आ जाओ। मुझे नहीं पता सुबह क्या काम है, ऐसी मस्ती मारने के लिए बुला रहे हैं, सब इकट्ठे हो रहे हैं, चलो गपशप कब होएगी अगर सिर्फ फंक्शन अटेंड करते रह गए तो, इसलिए हम टाइम से चले जाते हैं। सो फाइनली इतने दिन की तैयारियों के बाद आज वो दिन आ गया है सरिता जी के यहाँ जाने का। तो अब हम निकल चुके हैं श्री डूंगरगढ़ से नोखा की तरफ और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत खुश हो रहे हैं हम दोनों तीनों। सूफी भी इस बार है, राज भी है, हम तीनों जा रहे हैं। तो गाइस मुझे सबसे ज्यादा यूं एक्साइटमेंट है कि वहां पे बहुत से लोग नए मिलेंगे, इन्फ्लुएंसर नए मिलेंगे और सरिता की फैमिली से भी इस बार मिलना होगा, क्योंकि पिछली बार फैमिली नहीं थी लेकिन अब की बार फैमिली फंक्शन है तो हम फैमिली से भी मिल पाएंगे और नए नए इन्फ्लुएंसर होंगे। बहुत से नाम है जो मैंने इंस्टाग्राम पे देखे हैं, सुने हैं, लेकिन मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ, बट फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिलने जा रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। पिछली बार अच्छा लगा, इस बार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पिछली बार तो मुझे यूं था किसी से भी नहीं मिली थी और मैंने कुछ 10 एक दोस्त बनाए, लेकिन आज 10 से 3 गुने ज्यादा होंगे और मुझे खुशी इस बात की है कि वो भी दोस्त बनने वाले हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उन सबसे मिलने के लिए। तो मैं जाके आपको सबसे मिलाऊंगी, कौन कौन इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं। वैसे सरिता ने अपने ब्लॉग में बताया बट मेरे ब्लॉग में तो मैं आपको दिखाऊंगी सबसे मिलते हुए, तो बने रहना मेरे ब्लॉग में आगे तक। ये लो जी नोखा रह गए 24 किलोमीटर। क्या हो गया भाई, गुस्सा क्यों हो रहा है? नोखा रह गया 24 किलोमीटर और ये मेड में लगी हुई है फोटो सेशन कराने में। पैसे तो धूप है लेकिन रील बनाने के लिए करना पड़ेगा मेरे को। इधर धूप है भाई, हमारे गंगानगर में तो बहुत ठंड है। चलो अच्छी बात है। सो गाइस आ गए हैं सरिता के घर और ढोल वाले को बुला रखा है। भैया ढोल बजाओ जल्दी। रात 2 बजे पहुंचे? वाह भाई, नमस्ते। ये हमारे फौजी साहब। बिल्कुल। ए नीतू के हस्बैंड जानता हूँ मैं। ये तो हमारे क्राइम पार्टनर है। क्राइम हेलो, हाय, कैसे हो? मेरे आवाज पहचान जान से लगे। हेलो भैया, कैसे हो? बढ़िया। हाय सोनाली, रो मत, रो मत। कब से रो रही है? मोटी सो क्या मोटी है? इंतजार कर रहे थे तुम्हारा है? मैंने क्या बोला, अगर 10 मिनट में सोई नहीं ना 10 काट लूंगी। मैंने कहा पतली हो गया।
अरे इतने प्यार से मिल रहे हो, वैसे मिला ऐसे मिलेगा, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इससे, फर्स्ट टाइम इससे भी ऐसे ही मिलेगी। सो गाइस जी कुछ अरेंजमेंट है रहने का, अलग अलग फ्लैट्स है जिसमें तीन तीन रूम है, तो ये आपको बाद में दिखाऊंगा, अभी चलते हैं फिलहाल नीचे। ये वाला रूम मिला है, बहुत ही खूबसूरत है और कितना बड़ा है देखो, साथ में अटैच बाथरूम। और रिया आ रही है तो मैं छुप जाती हूँ, बोलना सोनिया नहीं आई, उसके फ्रैक्चर हो गया, मर गई बीच में ट्रक के नीचे आ गई। उसको पता है मेरे को नीचे मिल गई थी, नीचे मिली थी मेरे को, ले अब वो आएगी ना। रिया आ रही है इसको बोला है तू एक बार बीमार पड़ जा, प्रैंक करते हैं, देखते हैं उसका रिएक्शन, देखते हैं क्या होता है। तुम एक बार रुक जा, देख बच्चों को रुलाने वाली औरत, देखो इसको हेलो राधे राधे, बढ़िया यार ये आती तबीयत खराब हो गई थी। गाइस आई एम रियली सॉरी, मेरी तेज आवाज की वजह से किसी को बुखार आ चुका है, तो मैं दिल से माफी चाहती हूँ, पर कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बुखार उनको रोज आया, उनको मेरी आवाज सुन के बुखार आ रहा है। तो भैया से पूछते हैं कि भैया आपको आने में कोई दिक्कत हुई? बिल्कुल नहीं हुई, ये दिक्कत एक ही है जो बीमार पड़ गई है, अभी रिलैक्सिंग से दो दिन मैं उनको दवाई दूंगी, अभी देख मैं कहीं झूठी बोलेगी। आज अभी आपको दीदी कोई दिक्कत यहाँ पर रहने में, आने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, अच्छा लग रहा है यहाँ पे आपके? लेटो आपको बताओ, आपको कोई दिक्कत, अच्छा लग रहा है यहाँ पे? चलो एक बीमार पेशेंट है हमारे पास, उससे पूछ लेते हैं उसको कैसा लग रहा है। अरे आपको तो बड़ा बुखार है, कैसे हो आप, कैसे लग रहे हैं ठंड के बाद आपको? और गाइस कब हमारे सारे ऑडियंस को भी बता दो यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको, या फिर कैसा लगने वाला है आगे? बहुत अच्छा लग रहा है और पहले से ज्यादा एक्साइटमेंट तो अब है, क्योंकि पहले थोड़े से क्रिएटर थे, अब बहुत सारे क्रिएटर्स हैं और खूब मस्ती करने वाले, धमाल करने वाले हैं। बात है कि अब ऐसा नहीं है कि हम लोग एक दूसरे की परिचय अनोन नहीं है, अनोन नहीं है, मतलब सारे नोन हो, सब नोन है, सब जानते हैं, फॉर्मेलिटी से नहीं मिले ना, तभी मैं छुपी इसके लिए। मुझे देखते हैं बुखार, अब तो कोई अननोन होगा ना, उसको पकड़ के लेंगे पहले, अपनी बता आईडी बता। अगर किसी भी चीज की प्रॉब्लम होती है तो किसको इन्फॉर्म करोगे? रिया को। रिया देखो ये लोग मुझे, चलो अब चलते हैं हम सब नाश्ता करने, लेकिन अभी तो आप बहुत कम क्रिएटर से मिले हो, नीचे अभी खाने वाली जगह पे सभी क्रिएटर मिलेंगे, सबसे मिलते हैं। ये हमारे जेठू भाई, अभी कौन जाने का थर्ड चैनल पर ही। हां का वीडियो का मजा ही मैं लूं। अच्छा पहले कमेंट करो यार, अभी ये करूंगा आते।
ही खाए थे आपके। चलो आओ नाश्ता करते हैं अभी जेठ भाई के साथ। सो गाइस अभी खाने तक का हमने आपको दिखा दिया है, लेकिन अभी बैक टू बैक बहुत सारे व्लॉग आएंगे, आप जुड़े रहिएगा। हर घंटे दो घंटे में व्लॉग डालूंगी, तो आप देखते रहिएगा। और प्लीज़ अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सरिता का पूरे दो दिन का फंक्शन मैं आपको दिखाने वाली हूँ, हमने कितना इन्जॉय किया सभी इन्फ्लुएंसर के साथ। तो नोटिफिकेशन ऑन भी कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस भी कर लीजिए। प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए, अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे, देखते रहिएगा। बाय बाय।